हे दोस्तों नमस्कार, यूपी जीके पार्ट 12 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं आपकी तैयारी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, जो कोर्सेज हैं, वो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज आप सबको पता है कि यूपी जीके की जो सीरीज चल रही है उसका पार्ट 12 है। अगर आपने और जो पार्ट्स हैं उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में मैं इसको पिन कर दूंगा, उसके लिंक को, उसके प्लेलिस्ट को, जहां से आप और भी जो सारे पार्ट्स हैं वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदी कैप्सूल का पार्ट चल रहा है उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कहाँ पर स्थित है। दोस्तों तो महर्षि वाल्मीकि, आप सबको पता है महर्षि वाल्मीकि के बारे में, आप सब जानते हो। महर्षि वाल्मीकि जो हैं उनका आश्रम की अगर हम बात करें, उनका आश्रम जो है वो विठूर में स्थित है। विठूर कहाँ पर पड़ता है? विठूर जो है दोस्तों वो हमारा कानपुर जिले में पड़ता है और गंगा नदी के किनारे अवस्थित है ये हमारा। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, विठूर अभी आपको यहाँ पर जो आयोग मानता है आंसर वो विठूर सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध है और जैन धर्म दोनों जो धर्मों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है उसको कौसाम्बी माना जाता है। जी हाँ, कौसाम्बी जो है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। और कौसाम्बी जो है बेसिकली इलाहाबाद से 48 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण पश्चिम में यमुना तट पर स्थित है। और यहाँ पर कौसाम्बी में ही छठे तीर्थकर जो थे, कौन थे? जैन धर्म के जो छठे तीर्थकर थे पदम प्रभु, उनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरिजा देवी का जो संबंध है दोस्तों किस घराने से है? तो दोस्तों गिरिजा देवी का संबंध जो है वो बनारस घराने से है। और गिरिजा देवी कौन है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो गिरिजा देवी हैं ये प्रसिद्ध ठुमकी गायिका हैं। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ से हैं? बनारस घराने से हैं। और ये ठुमरी के अलावा टप्पा, ख्याल व ध्रुपद धामर शैलियों के भी प्रमुख गायिका हैं ये। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस घराने में ठुमरी अंग गायकी को अधिक प्रसिद्धि मिली? ठुमरी अंग गायकी को अधिक प्रसिद्धि किस घराने में मिली थी? तो दोस्तों जो घराना है बनारस, अभी मैंने बनारस घराने के बारे में बताया, तो प्रसिद्ध जो ठुमरी गायिका गिरिजा देवी है वहाँ से है। तो उन्हीं, जी हाँ, बनारस घराने को ही ठुमरी अंग गायकी में अधिक प्रसिद्धि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन थे? सहारनपुर की बात हो रही है तो सहारनपुर घराने के जो संस्थापक थे वो सूफी संत खलीफा मोहम्मद थे। जी हाँ, कौन थे? सूफी संत खलीफा मोहम्मद थे। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद जमा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका पूरा नाम क्या है? सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा। और जो गायन के अतिरिक्त बीन, रबाव, सितार वादन आदि में बहुत ज़्यादा पारंगत, मतलब प्रवीण थे ये। और यह घराना जो है अलाप, होरी, ध्रुपद गायन के लिए भी प्रसिद्ध है। और इस घराने के प्रमुख जो गायक बंदे हैं वो कौन कौन से हैं? बंदे अली खान हैं, बहराम खान हैं, जाकिरुद्दीन खान हैं, और यही सब हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, बिस्मिल्ला खां, इनके बारे में कौन नहीं जानता है? जो नहीं जानता है यार गलत बात है, इनके बारे में जानना चाहिए। तो बिस्मिल्ला खान जो हैं वो किस घराने से हैं? बिस्मिल्ला खान के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्ला कौन है? प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। और इनका जो संबंध है वो कहाँ से है, कौन से घराने से? बनारस घराने से है, इसलिए ऑप्शन का 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा मुमताज़ खान जो हैं इनके साथी थे बनारस घराने से, और उनका वो भी एक शहनाई वादक हैं। और बिस्मिल्ला खान जो है भारत रत्न भी प्राप्त कर चुके हैं, तो इसको मत भूलिएगा। इसके अलावा श्रीमती एन राजिम वायलिन, राजभाव सिंह, पंडित रविशंकर, मुश्ताक अली खान, ये सब सितार वादक हैं जो बनारस घराने से ही संबंधित हैं।
क्वेश्चन नंबर 82 यानी कि 82 है, किसने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया? तो अगर आप यूपी से हैं तो कथक के बारे में तो जानते ही होंगे, पर क्वेश्चन ये नहीं है कथक क्या है, क्वेश्चन ये है कि कितने कथक में ठुमरी गायन का समावेश किया। तो दोस्तों कथक का ठुमरी गायन में समावेश किया था बिंदा दीन महाराज जी ने, जी हाँ। और ये जो थे ये वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे, अवध के महान संगीतज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, टप्पा गायकी शैली को प्रचलित किया था, टप्पा गायकी की शैली को किसने प्रचलित किया था? तो दोस्तों टप्पा गायकी शैली को मियां सौरी जी ने प्रचलित किया था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इसलिए ऑप्शन चलो 4 पे टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? पंडित रविशंकर का जो संबंध है दोस्तों वो है किस घराने से, वो है बनारस घराने से। बहुत सारे क्वेश्चन बनारस घराने से हो गए हैं और आपको बनारस घराने से अब जो भी क्वेश्चन आएगा उसको भूलना नहीं है। तो वैसे भी पंडित रविशंकर आप सबको पता है यार, ये अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर सितार वादक, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध सितार वादक हैं, और भारत रत्न भी इनको मिल चुका है, जी हाँ। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है वो याद रखिएगा। इसके अलावा जिस क्वेश्चन इस जो क्वेश्चन है काफी लोग कमेंट करते हैं, सर ये क्वेश्चन किस किताब का है, तो आप सबकी सुविधा के लिए मैंने किताब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पर किरण यूपी जीके करके लिखा होगा, तो आप उसकी किताब को चेक कर लीजिए। ऑफलाइन मिलता है ऑफलाइन ले लो, ऑनलाइन मिलता है ऑनलाइन ले लो, जहां से आप खरीदना चाहो उसको खरीद सकते हो, समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, कौन सा घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है? सितार वादन की बात हो रही है दोस्तों, तो दोस्तों जो इटावा घराना है, जी हाँ इटावा जो घराना है वो सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। इटावा घराना और जिसको हम गौरीपुर घराना भी कहते हैं, सितार वादक के लिए बहुत ही विशेष तौर पर जाना जाता है। सुरजन सिंह, तुराब खान, इमदाद खान, इनायत खान, विलायत खान, ये सब इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, ख्याली गायक को किस घराने ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया? तो अगर हम बात करें ख्याली गायकी की, तो ख्याल जो गायकी है बेसिकली इसको शुरुआत किया था अमीर खुसरो ने, जी हाँ इसकी शुरुआत की थी अमीर खुसरो ने, और इसको बुलंदियों पर पहुंचाने वाला जो घराना था वो था रामपुर घराना। और रामपुर घराने के संस्थापक के बारे में कई बार पूछा जाता है, तो रामपुर घराने के जो संस्थापक हैं वो नेमत खान सदारंग जी हैं, उनके शिष्यों को माना जाता है, जी हाँ। और इसके बारे में और अगर ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है किताब का, वो आप खरीद करके वहाँ पढ़ सकते हो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सा घराना सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है? सरोद वादन की बात हो रही है भाई, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इटावा, शाहजहाँपुर, भिंडी बाजार, अलीगढ़, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी कि शाहजहाँपुर जो घराना है वो सरोद वादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, समझ गए, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका 2 है वो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे, क्वेश्चन नंबर 88 है, सैयद सालार मेला आयोजित होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सैयद सालार जो मेला है वो कब आयोजित होता है, कहाँ पर आयोजित होता है ये बताना आपको। तो ये जो आयोजित होता है वो बहराइच में आयोजित होता है, बहराइच यहीं यूपी में लखनऊ के पास पड़ता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हजरत गाजी सैयद सालार मसूद एक महान संत थे जो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान रूप से पूजनीय थे। इनकी दरगाह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है और जिसको सैयद सालार मेले के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ पर लगता है भाई? कहाँ पर लगता है? देवा शरीफ में लगता है। कहाँ पर लगता है? प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की शाह की मजार पर देवा शरीफ बाराबंकी वाले देवा शरीफ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मेला लगता है, बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर दूर से, जी हाँ बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार है, और उनके वार्षिक उर्स के मौके पर कार्तिक माह में मेले का आयोजन भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है वो हमारा स्थित है इलाहाबाद में, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। 1985 से 1986 में देश भर में 7 सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए, और उन 7 में इलाहाबाद आता है उत्तर मध्य क्षेत्र में। और इन 7 के अगर हम नाम के ऊपर थोड़ा चर्चा करें तो पहला है पटियाला, फिर कोलकाता, फिर तंजावुर, उदयपुर, दीमापुर, नागपुर और इलाहाबाद। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध इलाहाबाद से नहीं है? तो जो बागेश्वरी देवी जी हैं, इनका जो संबंध है वो इलाहाबाद से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अगर हम बात करें जानकी बाई की, तो जानकी बाई जो है वो टप्पा शैली की मीठी आवाज़ वाली, छप्पन छोरी भी इनको जानते हैं, इनको इस नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें हरिप्रसाद चौरसिया जी की, तो ये भाई, ये हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वादक हैं। और अगर हम बात करें कृष्णा देवी जी की, तो कृष्णा देवी जो हैं ये गायिका हैं, जो इलाहाबाद घराने से हैं। लेकिन जो बागेश्वरी देवी जी हैं, ये बेसिकली कौन से घराने से हैं? ये बनारस घराने की गायिका हैं, इसलिए इनका जो संबंध है वो हमारा इलाहाबाद से नहीं हो जाएगा। और इन तीनों का संबंध क्या है? इलाहाबाद से रहेगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तर प्रदेश में कितने संस्थानों द्वारा कथक में स्नातक की उपाधि दी जाती है? उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे संस्थान हैं जिनके द्वारा कथक में ग्रेजुएशन की उपाधि दी जाती है? तो यहाँ पर ऐसे कितने संस्थान हैं? यहाँ पर ऐसे दोस्तों 4 संस्थान हैं। कितने संस्थान हैं? 4 संस्थान हैं जिनके द्वारा स्नातक में उपाधि दी जाती है। और इन 4 संस्थानों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। पहला है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, दूसरा है आपका आगरा विश्वविद्यालय, तीसरा है आपका भातखंडे संगीत संस्थान, और चौथा है आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। समझ गए, ये 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? ये क्वेश्चन एक अभी यूपी पुलिस के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट टिक कर लो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा के समय में क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो कजरी लोकगीत जो है वो वर्षा ऋतु का लोकगीत है, और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? इसकी उत्पत्ति हुई थी मिर्जापुर से मानी जाती है। मिर्जापुर में भाद्रपद कृष्णीय तृतीया को विंध्यवासिनी देवी का जन्मोत्सव कजरी पर्व के रूप में मनाया जाता है, और इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो रसिया, नाम से ही आप लोग कंफर्म हो गए होंगे, रसिया जो है बेसिकली ब्रजभूमि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रसिया जो है वो ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की उपासना विभिन्न तरीकों से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो ख्याल नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? वो दोस्तों है बुंदेलखंड का। जी हाँ, पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में ख्याल नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में रंगीन कागजों तथा बाँसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर सिर पर उसको रख करके नृत्य किया जाता है। समझ गए, तो 95 क्वेश्चन हो गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे, आज आपको कोई होमवर्क अभी तक नहीं मिला, कोई बात नहीं, दे देंगे, आखिरी में दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है? कूट की सहायता से उत्तर देना है भाई, कूट की सहायता, यानी कि ब्रज क्षेत्र में कई सारे नृत्य इसमें से हो सकते हैं। समझ गए, तो देखते हैं भाई इसमें से कौन कौन नृत्य हैं। एक है हमारा रास नृत्य, रास नृत्य भी भाई ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, तो ये भी सही है भाई। इसके बाद अगर हम रास नृत्य कब किया जाता है, ये भी याद रखो, रासलीला के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। मयूर नृत्य, ये भी हमारा ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, और इस नृत्य के दौरान मोर पंख से बने विशेष वस्त्र धारण किए जाते हैं। आई थिंक मैंने एक बार ऑर्केस्ट्रा में देखा था मयूर नृत्य, बहुत ही मनमोहक नृत्य होता है ये। क्वेश्चन ऑप्शन 3 है चरकुला नृत्य, चरकुला जो नृत्य है बेसिकली ये भी हमारा ब्रज के क्षेत्रों, ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। और चरकुला नृत्य में क्या होता है, लोगों द्वारा मतलब क्या करते हैं चरकुला के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में तो बता दीजिएगा। चरकुला के बारे में मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि ये ब्रज क्षेत्र का है। और लास्ट है आपका झूला नृत्य, और जो झूला नृत्य है ये भी बेसिकली ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, झूले पे बैठ के किया जाता है, नाम से पता चल रहा है। तो चारों हमारे जो हैं वो हमारे कहाँ के, ब्रज क्षेत्र के ही नृत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है सभी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? धोबिया नृत्य जो है वो बेसिकली पूर्वांचल में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पूर्वांचल में किया जाता है। और जो ये नृत्य है वो धोबी समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में एक नर्तक धोबी बनता है तथा दूसरा नर्तक गधा बनता है, और इस नृत्य के माध्यम से गोभी, जो धोबी है, गोभी नहीं भाई, तो मुँह से निकल गया, धोबी और गधे के संबंधों को दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है,
बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब पढ़ने में मजा आता है इसको। क्वेश्चन नंबर 98 है, कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कलाबाजी, यार आप लोग सुनते हैं ना भाई बहुत कलाबाजी दिखा रहा है, तो कलाबाजी जो है वो बेसिकली अपने अवध, यानी कि मैं भी अवध क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो कलाबाजी जो है अवध क्षेत्र का जो है वो लोक नृत्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलाबाजी में होता क्या है, इस नृत्य में जो नर्तक होता है वो कच्ची घोड़ी पर सवार होकर तथा मोर बाजा या बिंड पाई जिसको बोलते हैं उसको लेकर कलाबाजी करते हुए नृत्य करता है, और इस नृत्य में कलाबाजी की प्रमुखता होने के कारण इसको हम कलाबाजी नाम देते हैं, मतलब बहुत सारी कलाएं करता है, एक्शन वैक्शन, एक्शन जैक्शन जैसा कुछ करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, राई नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? राई नृत्य की बात हो रही है, तो राई नृत्य पहली बात तो महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, जी हाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका 4 है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, अब आते हैं भाई आज के होमवर्क पर। आज का होमवर्क आपको देखिए अलग से बिल्कुल दिया है, जोगनी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बहुत बार मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपके पेपर में आ जाए तो आप मिस ना करो। तो ये आपका होमवर्क है, कॉमेंट करके इसका आंसर देना। अगर आपको यार वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एम रखते हैं 300 लाइक्स का, मुझे पता है आप लोग कर दोगे। और अभी के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और अगर आप ये पूरी किताब ही खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। तो यार बस अभी के इस वीडियो में इतना ही, बिकले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब लोग तैयारी करते रहो और नवरात्रि में खुशियाँ बांटते रहो सबको।